नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिजाइनर शूज में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको लेडीज़ सेमी शू के पैटर्न बनाना सिखाया था, अपर पैटर्न। इस वीडियो में हम आपको इसके लाइनिंग पैटर्न बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे इसकी बैम्प लाइनिंग का पैटर्न। पेपर फोल्ड कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें इस पैटर्न को टेस्ट करेंगे। यहाँ इनर आउटर है, इसलिए पहले इसमें आउटर को ट्रेस कर लेंगे। ये ट्रेस हो गया आउटर। अब करेंगे इस पर इनर को ट्रेस, इनसाइड को। ये हो गई इनसाइड। इनसाइड पर टिक लगा देते हैं। ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। जिस पर हमने टिक नहीं लगाया है वो आउटसाइड है। अब इसको यहाँ इस मार्किंग पर मिलाएं। ये देखिए, टंग इसकी बाहर जा रही है। ट्रेस करें, यहाँ से इसको रोटेट करें। इसको यहाँ ट्रेस करेंगे, यहाँ से रोटेट करें इसको। ये पैटर्न आ गया इसके ऊपर। अब इसको ट्रेस करेंगे। इस पॉइंट को यहाँ मिलाएं। इसको यहाँ सीधा कर लेंगे। सबसे पहले एक साइड को ट्रेस करेंगे, इन साइड को। ये हो गई इन साइड ट्रेस। अब करेंगे आउटसाइड को ट्रेस। ये होगी आउटसाइड ट्रेस। ये इनसाइड है, ये वाली लाइन इनसाइड की है, ये इनसाइड की है। ये हमने इनसाइड वाली लाइन ट्रेस कर दी है। ये इनसाइड है। अब आउटसाइड वाली लाइन ट्रेस करेंगे। ये आउटसाइड वाली लाइन ट्रेस। अब इसमें करेंगे ट्रिमिंग अलाउंस ऐड। चार एमएम का ट्रिमिंग अलाउंस। सबसे पहले आउटसाइड इसमें से काटेंगे। अब काट लेते हैं इस पैटर्न को। आउटसाइड का मार्क लगाएं। यहाँ आउटसाइड जो है वो आउटसाइड की एज यहाँ पर छोटी है। हमने आउटसाइड का मार्क लगा दिया, यहाँ से आउटसाइड काट लें। जो मार्क हमने नाइफ से यहाँ लगाए थे वो यहाँ पर आ गए हैं। ये हो गई आउटसाइड। अब काटेंगे इसको इनसाइड से। ये हो गई इनसाइड। देखिए, एक तो इस प्रकार से इसका पैटर्न बन सकता है, जिस पर ये पूरा ही पैटर्न सेट हो जाएगा। इनसाइड है, इनसाइड को इस तरह से रखें। ये आ गया यहाँ।
और ये यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो सब काट दिया जाएगा। एक तो इस प्रकार से ये बनाया जा सकता है लाइनिंग का पैटर्न। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों की लाइनिंग हम अलग बना लें और इसके अलग से बना दें, लेकिन उसमें होगा क्या, अपर इसके नीचे लाइनिंग, अपर फिर इसके नीचे ये कंपोनेंट, फिर इसकी लाइनिंग और फिर इस कंपोनेंट की लाइनिंग, यहाँ पर चार लेयर हो जाएंगी जिससे यहाँ इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। इसलिए इन तीनों कंपोनेंट की एक ही लाइनिंग हम बनाएंगे, इनसाइड नॉच लगाएंगे। अब बनाएंगे इसका पैटर्न। देखिए इसको भी हम कई दो प्रकार से बना सकते हैं, इसकी लाइनिंग अलग से बन जाए और इसमें इन दोनों कंपोनेंट की लाइनिंग अलग बन जाए। इसमें भी वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अपर और इसके नीचे लाइनिंग और इस कंपोनेंट को फिर इस पर लगाएंगे और फिर इस कंपोनेंट की लाइनिंग इसके ऊपर लगा के स्लाइड डाल दी जाएगी, फिर वही चार लेयर हो जाएंगी। इसलिए इसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे लाइनिंग कि जॉइंट्स के ऊपर जॉइंट्स ना आए। चलिए बना लेते हैं। देखिए इसको हमने इस प्रकार रख लिया, अब इनको ट्रेस करेंगे। इसको हमने ट्रेस कर लिया। यहाँ स्केल रखेंगे और इसकी सीधी लाइन पर हल्के हाथ से कट लगाएंगे। चार एम का ट्रिमिंग अलाउंस सेट करेंगे। इसको यहां से सीधा कर देंगे, यहाँ रखा इनसाइड पैटर्न को। यह है इनसाइड। इस तरह से पैटर्न बना सकते हैं या यहाँ पर कट लगा के भी इसका पैटर्न बना सकते हैं, या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इस पैटर्न को, या यदि एवरेज में नहीं आ रहा है, मटेरियल की वेस्टेज ज़्यादा हो रही है, तो इसमें इनसाइड की तरफ इस तरह का यहाँ कट लगा देंगे लाइनिंग में, और यहाँ से इसको यदि आपको जॉइंट देना है लाइनिंग में तब करेंगे ये काम, ये इस तरह से आ जाएगा। और ठीक इसी तरह से यहाँ कर लेंगे, इसमें यहाँ से कट लगा के इतना पैटर्न अलग निकाल देंगे, ये अलग हो जाएगा और ये कंपोनेंट एक अलग बन जाएगा, इतना एक ये कंपोनेंट बन जाएगा और एक ये अलग हो जाएगा। नहीं तो इसमें एक ही कंपोनेंट रखेंगे जिससे लाइनिंग में अंदर की तरफ कोई जॉइंट ना हो। दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 9, साइज 37।
फेम, ये इनसाइड नॉच होती है, ये हमेशा इनसाइड में लगती है, कभी इसको आउटर में नहीं लगाएंगे। इसी तरह से सभी पैटर्न्स पर एंट्री कर लेंगे। यदि इस पैटर्न को शॉर्ट करके अपर बनाने में आसानी हो तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको फुल रहने दें। यदि मटेरियल कॉस्टली है तो इसको शॉर्ट कर लेंगे। यहाँ लगा दीजिए सेंटर नॉच, स्लाइस में जितनी भी आपको डालनी है उसमें ट्रेस कर देंगे। यहाँ लिख देंगे, जैसे हमें डबल सिलाई करनी है तो डबल स्टिच, धागे का नाम लिख देंगे किस प्लाई से करना है, 3 प्लाई, यहाँ भी 3 प्लाई और यहाँ भी, ये तो यहाँ एक ही है। और यहाँ इलास्टिक को रोकने के लिए डबल सिलाई यहाँ करेंगे, यहाँ सिंगल सिलाई, यहाँ लिख दीजिए सिंगल स्टिच, ये भी और ये भी। अब इसमें ये देख लेते हैं कौन सी एज हमें रॉ एज रखनी है, या जहाँ कोई भी हमें फोल्डिंग अलाउंस नहीं देना, कोई किसी प्रकार की फोल्डिंग नहीं करनी पैटर्न में, जो एज है कंपोनेंट की एज इट इज रहेगी। यदि आपको फोल्डिंग करनी है पैटर्न में तो वो इसके कटिंग पैटर्न बनाए जाएंगे, कटिंग पैटर्न तो वैसे ही बनाए जाएंगे, उनमें ये मार्किंग नहीं खोली जाएंगी, जो टीन पैटर्न बनते हैं या डाई बनती है इनकी, जिन पैटर्न की सहायता से। तो इसके कटिंग पैटर्न बना लेते हैं। देखिए यहाँ हमें इसमें फोल्डिंग अलाउंस ऐड करना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हमें इसमें फोल्डिंग अलाउंस ऐड करना है यहाँ, क्योंकि ये एज ऊपर से दिखेगी इस तरह से। यहाँ भी हम फोल्डिंग अलाउंस ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसमें भी होगी फोल्डिंग, यहाँ डबल स्टिच है। डिटेल्स लिख देंगे डबल स्टिच और सिंगल स्टिच यहाँ पर, ये भी सिंगल स्टिच, ये डबल स्टिच। अब हमें ब्रिड कहाँ करनी है, फोल्डिंग कहाँ करनी है, यहाँ पर फोल्डिंग इस तरह, यहाँ भी। इसमें हमें किसी प्रकार की फोल्डिंग नहीं करनी। अब देखिए इसमें यहाँ ये रॉ एज दिखाई देगी और यहाँ पर, तो चाहो तो इसमें पूरे पैटर्न में फोल्डिंग का अलाउंस ऐड कर सकते हैं। इसमें भी फोल्डिंग अलाउंस ऐड कर देंगे और इन पैटर्न्स में भी, ये सब फोल्डिंग अलाउंस। चलिए इसकी कटिंग पैटर्न बना, ये पैटर्न बनाएंगे हम इनसाइड से। इसमें ऐड कर देते हैं फोल्डिंग अलाउंस, फोल्डिंग अलाउंस होता है 5 mm का, जहाँ भी मार्जिन ऐड करना है वहाँ लाइन ट्रेस कर लेंगे। यहाँ और यहाँ
यहाँ कोई भी, यहाँ लिख देते हैं रॉ एज या नेट, यहाँ से यहाँ तक, इसी प्रकार यहाँ भी, ये नेट नेट और रॉ एज का मतलब एक ही होता है। पाँच एम का फोल्डिंग अलाउंस में ऐड कर देंगे। हाईलाइट कर लेते हैं, काट लेते हैं। दोस्तों ये बन गया कटिंग पैटर्न, पिन निकाल लेते हैं। ये बन गया इसके कटिंग पैटर्न, इनसाइड नॉच लगा देते हैं, लग गई थी। देखिए ये हमने इनसाइड से दो पैटर्न इसलिए बनाए हैं क्योंकि इनसाइड का पैटर्न है बड़ा। अब इसमें क्या करेंगे, आउटसाइड पैटर्न को इस पर रखें, ये हमने आउटसाइड का पैटर्न इस पर रख लिया, और इसको यहाँ से काट दीजिए। ये बन गया आउटसाइड का और ये हो गया इनसाइड का।
ये बन गया इनसाइड का पैटर्न। कटिंग पैटर्न आर्टिकल नो साइज 7। इसी तरह से सब पे डिटेल लिख देंगे। जहाँ भी होल्डिंग अलाउंस है उस पर रेड मार्क कर देंगे, जिससे इस पर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये है, ये जो अलाउंस है वो फोल्डिंग अलाउंस है, इस तरह का कलर कर दिया जाता है। तो ये बन गया इसके कटिंग पैटर्न। देखिए पिछले वीडियो में हमने जो टंग का पैटर्न बनाया था वो कैमरे में सही से दिखाई नहीं दिया, बता देते हैं किस तरह से निकाला था। ये हमने इसको पेस्ट कर दिया, अभी सेंटर लाइन ट्रेस करेंगे और ये वाली लाइन अपर कंपोनेंट की, जो ये वाला कर्व है उसको यहाँ हमने ट्रेस कर लिया यहाँ से यहाँ, इसको ये इस तरह से इसको निकाल कर सीधा रखेंगे और इस सीधी लाइन को यहाँ से काट लेंगे। ये हमने काट लिया, फोल्डेड पेपर की एज पर इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ से सीधा मिलाते हुए। हमने इसको ट्रिप पेस्ट कर दिया। इस तरह से पेस्ट करने के बाद नो एम का अंडरले अलाउंस ऐड करेंगे और इसको यहाँ से देखिए ये पेस्ट किया हमने, यहाँ बन गया कोना। इसको हल्की सी गोराई कर लें, कोना नहीं बनना चाहिए। ये बना इस तरह से हमने बनाया था टंग का पैटर्न। दोस्तों ये बन गए हैं इसके कटिंग पैटर्न, लाइनिंग पैटर्न और अपर पैटर्न।